ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಗಮವಾಡಿ ಮಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಸಮಾರಂಭ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಗಮವಾಡಿ ಗುರುಕುಲದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮೋದಿ ತವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಖುಷಿಯಾಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಂಗಮವಾಡಿ ಗುರುಕುಲದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹೂ ಔರ್ ಕಾಶಿ ಕಿ ಧರ್ತಿ ಪರ್ ಇತ್ನಿ ಬಡಿ ತಾದಾದ್ ಮೇ ಪೂಜ್ಯ ಸಂತೋ ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಾನೆ ಕಾ ಅವಸರ ಮಿಲಾ ಯೇ ಮೇರಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ और काशी के प्रतिनिधि के नाते मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं. संस्कृत और संस्कृति की संगम स्थली में आप सभी के बीच आना मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. बाबा विश्वनाथ के सानिध्य में, मां गंगा के आंचल में संत वाणी का साक्षी बनने का अवसर बार बार नहीं आता है. इस कार्यक्रम में आने के लिए मुझे पूज्य जगतगुरु जी ने आमंत्रण पत्र लिखा था, लेकिन उस पत्र में अपेक्षा और आग्रह से भी अधिक मेरे और राष्ट्र के समय की चिंता अधिक थी. लेकिन संतों का आदेश हो, ऋषियों का संदेश का महत्व हो, युवा भारत के लिए पुरातन भारत के गौरवगान का अवसर हो, तो समय और दूरी कभी बाधा नहीं बनती है. आखिर संतों के सत्संग का, ज्ञान की प्राप्ति का यह मौका जब भी मिले छोड़ना नहीं चाहिए. आप भी पूरे देशभर से, कोने कोने से इतनी बड़ी संख्या में यहां आए हैं. बहुत से लोग कर्नाटका से हैं, महाराष्ट्र से हैं, और बाबा भोले की नगरी का प्रतिनिधित्व तो यहां है ही है. मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और आप सबका अभिनंदन भी करता हूं. साथियों, तुलसीदास जी कहा करते थे, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो. इस भूमि की यही विशेषता है. ऐसे में वीर शैव जैसी संत परंपरा को युवा पीढ़ी तक पहुंचा रहे जगतगुरु विश्वाराध्य गुरुकुल के शताब्दी वर्ष का समापन एक गौरवशाली क्षण है. इस क्षण के साक्षी वीर शैव परंपरा से जुड़े आप सभी साथियों के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत सुखद है. वैसे तो वीर शब्द को अधिकतर लोग वीरता से जोड़ते हैं, लेकिन वीर शैव परंपरा वो परंपरा है जिसमें वीर शब्द को आध्यात्मिक अर्थ से परिभाषित किया गया है. विरोध रहितम शैवम वीर शैवम विदमुर्गा, यानी जो विरोध की वैर की भावना से ऊपर उठ गया है वही वीर शैव है. मानवता का इतना महान संदेश इसके नाम से जुड़ा हुआ है.
यही कारण है कि समाज को वैर विरोध और विकारों से बाहर निकालने के लिए वीर शैव परंपरा का हमेशा से आग्रह रहा है और प्रखर नेतृत्व भी रहा है। साथियों, भारत में राष्ट्र का यह मतलब कभी नहीं रहा कि किसने कहां जीत हासिल की, किसकी कहां पराजय हुई। हमारे यहां राष्ट्र सत्ता से नहीं, संस्कृति और संस्कारों से सृजित हुआ है। यहां रहने वाले लोगों के सामर्थ्य से बना है। ऐसे में भारत की सही पहचान को भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का दायित्व हम सभी पर है, गुरुओं संतों और विद्वानों पर भी है। हमारे ये मंदिर हो, बाबा विश्वनाथ सहित देश के 12 ज्योतिर्लिंग हो, चार धाम हो, या वीर शैव संप्रदाय के 5 महापीठ हो, शक्तिपीठ हो, ये दिव्य व्यवस्थाएं हैं। ये सारे धाम आस्था और आध्यात्म के ही केंद्र नहीं है, बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी मार्गदर्शक है। यह हम सभी को, देश के जन जन को, देश की विविधता को आपस में जोड़ते हैं। साथियों, ये संयोग ही है गुरुकुल का ये शताब्दी समारोह नए दशक की शुरुआत में हुआ है। ये दशक 21वीं सदी के ज्ञान विज्ञान में भारत की भूमिका को विश्व पटल पर फिर से प्रतिष्ठापित करने वाला है। ऐसे में भारत के पुरातन ज्ञान और दर्शन के सागर श्री सिद्धांत शिखामणि को 21वीं सदी का रूप देने के लिए मैं विशेष रूप से आपका अभिनंदन करता हूं। भक्ति से मुक्ति, भक्ति से मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले इस दर्शन को भावी पीढ़ी तक पहुंचाना चाहिए। एक ऐप के माध्यम से इस पवित्र ज्ञान ग्रंथ को, उसका डिजिटलीकरण युवा पीढ़ी के जुड़ाव को और बल देगा, उनके जीवन की प्रेरणा बनेगा। और तो मैं चाहूंगा आगे चलकर के इस ऐप के द्वारा इसी ग्रंथ के संबंध में हर वर्ष क्विज कंपटीशन करना चाहिए और हर राज्य से पहले 3 जो आए उनको इनाम देना चाहिए। और सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। देश और दुनिया के कोने कोने तक श्री जगतगुरु रेणुकाचार्य जी के पवित्र उपदेश को पहुंचाने के लिए श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ का 19 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आज इसका भी विमोचन यहां किया गया है। संतों के इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना मानवता की बहुत बड़ी सेवा है। इसके लिए हम सभी से जो कुछ भी बन पड़े हमें इसी तरह करते रहना चाहिए, निरंतर ज्यादा करते रहना चाहिए। साथियों, वीर शैव से जुड़े, लिंगायत समुदाय से जुड़े संतों ने या फिर दूसरे साथियों ने शिक्षा और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कर्नाटका सहित देश के अनेक हिस्सों में मठों के माध्यम से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जा रहा है, मानव गरिमा को नए आयाम दिए जा रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। जंगमबाड़ी मठ तो
भावात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित साथियों के लिए प्रेरणा का आजीविका का माध्यम भी है। आपके ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इतना ही नहीं, संस्कृत भाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं को ज्ञान का माध्यम बनाते हुए टेक्नोलॉजी का समावेश आप कर रहे हैं, यह भी अद्भुत है। सरकार का भी यही प्रयास है कि संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं का विस्तार हो, युवा पीढ़ी को उसका लाभ हो। यहां मैं श्री काशी जगतगुरु श्री चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी की भी विशेष प्रशंसा करूंगा, जिन्होंने भारतीय दर्शन कोश की रचना में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। श्री सिद्धांत शिखामणि पर तो उन्होंने पीएचडी की हुई है। उनके द्वारा लिखी गई सैकड़ों पुस्तकें युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही हैं, उन्हें राष्ट्र निर्माण के संस्कार दे रही है। साथियों, देश सिर्फ सरकार से नहीं बनता, बल्कि एक एक नागरिक के संस्कार से बनता है। नागरिक के संस्कार को उसकी कर्तव्य भावना श्रेष्ठ बनाती है। एक नागरिक के रूप में हमारा आचरण ही भारत के भविष्य को तय करेगा, नए भारत की दिशा तय करेगा। हमारी सनातन परंपरा में तो धर्म शब्द ही कर्तव्य का पर्याय रहा है और वीर शैव संतों ने तो सदियों से धर्म की शिक्षा कर्तव्यों के साथ ही दी है। सिद्धांत शिखामणि में भी तो पांच प्रकार के आचरणों का वर्णन है। इनमें से तीन आचरण हमारे कर्तव्यों के पालन से ही जुड़े हुए हैं। सदाचार मतलब अच्छा आचरण, भ्रष्टाचार मतलब समाज के प्रति कर्तव्य, और सेवा गणाचार मतलब बुराइयों से लड़ना। जंगमबाड़ी मठ हमेशा से इन्हीं मूल्यों के सृजन में लगा हुआ है। कितने ही शिक्षण संस्थानों के लिए मठ ने जमीन दान की है, संसाधन उपलब्ध कराए हैं। मठों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए, संतों द्वारा दिखाए रास्ते पर चलते हुए हमें अपने जीवन को संकल्प पूरे करने हैं और राष्ट्र निर्माण में भी अपना सहयोग करते चलना है। भगवान बसवेश्वर जिस करुणा भाव के साथ दूसरों की सेवा के लिए कहते थे, हमें उस करुणा भाव के साथ आगे बढ़ना है। हमें देश के संकल्पों के साथ खुद को जोड़ना है। जैसे पिछले पांच वर्षों में भारत में स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने में संतों की, मठों की, गुरुकुलों की, स्कूलों की, कॉलेजों की एक व्यापक भूमिका रही है। जिस प्रकार काशी और देश के युवाओं ने स्वच्छ भारत अभियान को देश के कोने कोने में पहुंचाया है, वैसे ही और संकल्पों को भी हमें आगे बढ़ाना है। ऐसा ही एक बड़ा संकल्प है, भारत में बने सामान को हमारे बुनकरों, हमारे हस्तशिल्पियों के बनाए सामान को सम्मान देना। और मैंने तो लाल किले से कहा था, हम सब ये आग्रह रखें कि लोकल जो बना है उसी को खरीदेंगे। हमें खुद भी और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी भारत में बने सामान के उपयोग पर बल देना होगा। आज भारत में वैश्विक स्तर के उत्पाद बन रहे हैं। हमें उस मानसिकता को बदलना है जिसके मुताबिक बस इंपोर्टेड ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह देश में जल जीवन मिशन
ಶ್ರೀ ಚನ್ನಸಿದ್ದರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಜ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈ ಅಪರೂಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರೇ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಆನಂದಿಬೆನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರೇ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂಥ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರೇ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶಿವ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಉಪಸ್ಥಿತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಧನ್ಯತಾಭಾವ ನನ್ನದು. ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಾರಣಾಸಿಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಕಾಜಿ ಜ್ಞಾನಸಿಂಹಾಸನ ವಿಶ್ವರಾಧ್ಯ ಚಂಗಮಾಡಿ ಪೀಠ ಸುಮಾರು 1400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿತಕ 574 ಅಂದಿನ ಕಾಶಿ ದೊರೆ ಜಂಗಮ್ಮಾಡಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಭೂದಾನ ಮಾಡಿದ ಇತಿಹಾಸವೂ ಸಹ ಇದೆ. ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಪೀಠ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 86ನೇ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಹ ಸ್ವತಃ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ. ಇಂದಿನ ಇಲ್ಲಿನ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ.